हेलो एवरीवन, आरचल सेवन के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो हम सीखेंगे कि आरचल सेवन में वर्चुअल बॉक्स में गैस एडिशन टूल इंस्टॉल कैसे करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इसकी जो स्टेप्स है उसकी एक मैंने फाइल बना रखी है, उस फाइल में मैंने सारे स्टेप्स लिखा हुआ। टोटल चार स्टेप्स हैं, चारों स्टेप्स में मैंने लिखा हुआ है क्या क्या करना है और वन बाई वन हम सभी स्टेप्स को फॉलो करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप्स है RHEL 7 की जो डीवीडी है उसे पहले इंसर्ट कीजिए आपके पीसी में, फिर उसे माउंट कीजिए। तो पहले इंसर्ट कर देते हैं सीडी RHEL 7 की। चलिए इंसर्ट कर दी हमने। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसको माउंट करना। तो माउंट करने के लिए कमांड है टर्मिनल ओपन कीजिए। टर्मिनल में आपको लिखना है mount/dev/cd-rom/mnt। ठीक है, ओनली अब ये एरर दे रहा है कि ओनली रूट कैन डू डेट। तो रूट से लॉगिन कर देते हैं, su admin su। चलिए हमने रूट से लॉगिन कर लिया है। इसके बाद में mount /dev/cd-rom/mnt। ओके, माउंट हो चुका है। उसके बाद में चेक कर लीजिए ls-l cd/mnt। तो माउंट हो चुका है हमारा सीडी। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपको क्या करना है, एक रेपो फाइल क्रिएट करनी है लोकल एम सर्वर के लिए। तो चलिए हम क्रिएट करते हैं। उसके लिए कमांड है vm/etc/yum.repos.t, उसके अंदर server.repo, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, पीछे .repo होना चाहिए। उसके बाद में इंसर्ट मोड प्रेस, इंसर्ट मोड में जाइए। इसके लिए आई प्रेस कीजिए या इंसर्ट की प्रेस करनी है आपको, सर्वर या आपकी आइडेंटिटी यम सर्वर की, लोकल यम रेपोजिट्री की। उसके बाद नेम लोकल यम सर्वर, फिर बेच URL में आपको देना है फाइल, क्योंकि हम लोकल यम सर्वर कॉन्फिग कर रहे हैं इसलिए हमें यह बात देना है /mnt। फिर gpg चेक इज इक्वल टू 0 और इनेबल्ड बराबर 1। फिर फाइल को सेव कर लीजिए। ओके, फाइल सेव हो गई। उसके बाद में आपको करना है, ये कमांड आपको देना है डेवलपमेंट टूल इंस्टॉल करना है आपको। तो चलिए इंस्टॉल करते हैं यम ग्रुप इंस्टॉल डेवलपमेंट टूल्स। तो चलिए आपके जो पैकेज है वो आपको इंस्टॉल करने हैं इसमें। चलिए अब यहाँ पर आपको वाई प्रेस करना है और टोटल इसको 199 सॉरी इंस्टॉल साइज, टोटल साइज 67। तो 67 पैकेज 42 पैकेज इसको इंस्टॉल करने हैं। उसकी जो टोटल साइज है वो 67 MB है। चलिए पैकेज इंस्टॉल हो रहे हैं। जब तक पैकेज इंस्टॉल हो रहे हैं तब तक हम वीडियो को पॉज कर देते हैं। चलिए हमारे पैकेज इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हमें जो नेक्स्ट कमांड है वो देना है कर्नल इंस्टॉल करना है, कि आपको कर्नल का जो पैकेज है वो डेवलपमेंट पैकेज वो भी इंस्टॉल होना चाहिए। तो चलिए हम वो इंस्टॉल कर देते हैं। उसके लिए कमांड आपको एग्जीक्यूट करना है यम फिर इंस्टॉल फिर कर्नल -devil फिर एंटर।
फिर आपको वाई प्रेस करना है यहाँ पर, उसका जो एक पैकेज मिला हमें वाई प्रेस कीजिए। चलिए पैकेज इंस्टॉल हो रहा है। चलिए कर्नल का जो डेवलपमेंट पैकेज है वो भी इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि वर्चुअल बॉक्स गैस स्टेशन टूल की सीडी इंसर्ट करनी है। तो पहले हम हमारे जो आर्चल सीरीज की जो डीवीडी है उसे यू माउंट कर देते हैं, यू माउंट स्लैश MNT, तो DF-H कोई माउंट पॉइंट नहीं है। फिर सीडी को यहाँ से आपको रिमूव कर देना है, रिमूव डिस्क फ्रॉम वर्चुअल ड्राइव पोर्शन माउंट। चलिए अब माउंट हो चुका है, DF-H हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, डिवाइस पर क्लिक करना है, फिर इंसर्ट गैस एडिशन सीडी इमेज यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए जैसे ये प्रॉम्प्ट ओपन हो, कंटेंट सॉफ्टवेयर इंटेंट टू बी ऑटोमेटिकली स्टार्टेड, वुड यू लाइक टू रन इट, फिर यहाँ पर आपको कहाँ क्लिक करना है, रन पर क्लिक करना है। रन पर क्लिक करते ही ये आपको ऑथेंटिकेशन के लिए पूछेगा, ठीक है। तो आपका जो भी यूजर है एडमिन उसका पासवर्ड आपको यहाँ पे लिखना है, फिर ऑथेंटिकेट पर क्लिक करना है। चलिए ऑथेंटिकेट हो चुका है। जब तक ये इंस्टॉल हो रहे हैं, पे ये प्रोसेस इंस्टॉलेशन चल रहा है, तब तक हम वीडियो को पॉज कर देते हैं। चलिए इंस्टॉल हो चुका है, प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में आपको एंटर की प्रेस करनी है, सॉरी कोई भी की प्रेस कीजिए और इसको क्लोज कर दीजिए, रिटर्न टू क्लोज। उसके बाद में आपको मशीन को रिबूट करना है, तो रिबूट कर लीजिए। तो देखिए हमारा वर्चुअल बॉक्स गैस एंड टूल इंस्टॉल हो चुके हैं इसमें, और स्क्रीन हमारा फुल हो चुका है वाइट। तो इस वीडियो हमने क्या सीखा कि आर्चल 7 में वर्चुअल बॉक्स गैस एडिशन टूल कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये इस वीडियो हमने सीखा है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें, और मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।